औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत व तंदरुस्ती अता करे। सबसे पहले दोस्तों, जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का पाक दिन है और सब लोग इससे गुजारिश है कि सब लोग जुम्मा नमाज ज़रूर पढ़ें और हर मुसलमान के लिए जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको और इसके हलाल अता फरमाए। तो बहुत से लोगों की मुझसे फरमाइश हो रही थी कि भाई आप जहाँ काम करते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, आप उस जगह की वीडियो बना के हमारे साथ शेयर करें। तो उन लोगों की फरमाइश के लिए मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो उस जगह की मैं आज आपको वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो राइट साइड से मैं शुरू करता हूँ। मैं दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं सऊदी अरब के शहर रियाज में काम करता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी है, उसके तकरीबन 17-18 जो हैं ये मेडिकल स्टोर आप कह सकते हैं, फार्मेसी कह सकते हैं। मैं उधर एक मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मेडिकल स्टोर पे मुकम्मल रेंज होती है, मतलब दूध वगैरह होते हैं, मेडिसिन वगैरह हो गई, या शैम्पू क्रीमें वगैरह हो गई, कलर हो गए, बच्चों के पैंपर वगैरह हो गए, ये मुकम्मल इस किस्म की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करता हूँ आपको दूध से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे राइट साइड में यही स्टैंड आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीडो के हलीब रखे हुए हैं, कुछ सिरिलैक वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे बच्चों के। तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ सऊदी अरब में तकरीबन 90% जो है ये डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होता है बच्चों के लिए। यहाँ पर माँ का दूध बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर ये हमारे हलीब वगैरह इस साइड में रखे हुए हैं, ये बच्चों के सारे दूध हैं, बहुत सी कंपनियों के हैं, यहाँ पे बहुत सी कंपनियों के ये दूध रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इधर भी हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप जहाँ पे काम करते हैं आप उस जगह का नाम बताएं, उस जगह पे वीडियो बनाएं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो उन लोगों की फरमाइश के ये आज वीडियो बनी जा रही है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टोटल जो है ये यहाँ पर बच्चों के दूध रखे गए हैं, ये सारे बच्चों के दूध हैं। और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, ये कुछ ड्रिप वगैरह के सेट वगैरह हैं और इंजेक्शन वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं, और कुछ ये इंसुलिन वगैरह की सरिंजें वगैरह हैं, और इंसुलिन की जो है मशीनें हैं, शुगर मशीनें चेक करने वाली वो भी हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि नेबुलाइज मशीन आपको नज़र आ रही है जो सांस के बीमारी में इस्तेमाल होती है। तो ये भी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये शुगर मशीनों की जो स्ट्रिपें होती हैं वो हैं, और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये पायोडीन वगैरह रखी हुई है सब चीज़। और यहाँ पे आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ, ये आप देख सकते हैं ये करीमें वगैरह हैं। यहाँ पे हमारी तरतीब बहुत अच्छी होती है, हम करीमें अलग रखते हैं और इंजेक्शन वगैरह सब चीज़ अलग होती है, मेडिसिन तरतीब वाइज होती है मुकम्मल। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये करीमें वगैरह हैं मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं ये सारी क्रीम वगैरह पड़ी हैं, ये मुंह की जेल वगैरह पड़ी हैं, और ये ऊपर जो है मसाज क्रीमें पड़ी हैं, बहुत सी बहुत कंपनियों की हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन वगैरह हैं थोड़े बहुत, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ विजेनल क्रीम वगैरह हैं, कुछ विजेनल जो हैं सपोजिटरी वगैरह पड़ी हैं। तो आज मैं आपको मुकम्मल अपनी फार्मेसी का विज़िट कराऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मेडिसिन यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, टैबलेट वगैरह, ये पेनाडाल वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टोटल मेडिसिन पड़ी हैं, टोटल टैबलेट वगैरह हैं। तो मैं भाई यहाँ पे काम करता हूँ, ये फार्मेसी सऊदी अरब के शहर रियाज में है, और जिस इलाके में है इस इलाके को हयल तौवीक बोलते हैं, मतलब इस मोहल्ले का नाम तौवीक है, रियाज के शहर में तरीक मक्का पे है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सारी मेडिसिन पड़ी है मुकम्मल। बहुत से लोग बार बार फरमाइश कर रहे थे कि भाई आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह पे वीडियो को बना के शेयर करें। तो आज मैं अपनी फार्मेसी पे जिस जगह पे मैं काम करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं इधर, ये टोटली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है शुगर वगैरह की मेडिसिन पड़ी है, ये टोटल शुगर की मेडिसिन है।
और साथ में आपको ऊपर जो नज़र आ रही हैं ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मेडिसिन रखी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएं, कुछ एंटीबायोटिक सिरप वगैरह रखे हुए हैं, ये कुछ टैबलेट हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने काइंडली मुकम्मल देखना है क्योंकि एक एक स्टैंड दिखाने में काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी चीज़ें रखी हुई हैं, ये पानी में हल करने वाले साशे वगैरह हैं, छोटे पेशाब में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ शैम्पू और स्प्रे वगैरह हैं, जो आम जबान में आपको बताऊँ तो हम लोग जुआ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो सर में जुएँ निकल आती हैं बच्चों के, ये उसमें यूज़ होती हैं। और ऊपर जो आपको देखते हैं ये नमकियात के ORS साशे रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे आते हैं, ये आई ड्रॉप्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, ये टोटल आई ड्रॉप्स हैं, आप देख सकते हैं ये टोटल आई ड्रॉप्स वगैरह हैं इस स्टैंड में। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, ये सन ब्लॉक वगैरह हैं कुछ, और साथ में जो है खुश्की वगैरह के लिए ये शैम्पू वगैरह आखिर में पड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो ये आगे हम कलर वगैरह आ जाते हैं, ये सारे कलर हैं बीजन के पड़े हैं, और नीचे मेहंदी वगैरह पड़ी है ये, और नीचे जो है फिर लेडीज़ के लिए जो है फीमेल के लिए जो होते हैं ऑलवेज वगैरह वो हैं। तो आप देख सकते हैं ये टोटल रेंज कलर की है, ये टोटल कलर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, ये मुकम्मल कलर्स हैं, हर किस्म का तकरीबन कलर यहाँ पे दस्तियाब होता है, हर किस्म के यहाँ पे कलर रखे गए हैं। तो फिर यहाँ से देखें आप, तो ये लेडीज़ वगैरह के लिए जो ऑलवेज वगैरह होते हैं, जो पीरियड्स के दौरान यूज़ करती हैं, तो अगर कोई लेडीज़ देख रही है तो ये उनके लिए ख़ास होते हैं, ये ज़्यादातर जो है ये ऑलवेज नाम का चलता है, ये ऑलवेज वगैरह ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे। तो ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है ऑलवेज की, ज़्यादा ये ऑलवेज के नाम पर मशहूर हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये टोटल जो है ये लेडीज़ पैड है। तो यहाँ पे आ जाते हैं शेर, ये पैम्पर वगैरह हैं बच्चों के, ये टोटल रेंज पैम्पर वगैरह की पड़ी है, ये फिर नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर तक पैम्पर होते हैं, ये टोटल जो हैं ये पैम्पर वगैरह रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये टोटल पैम्पर वगैरह रखे गए हैं। यहाँ पर जो है कुछ सपोर्ट वगैरह रखी गई हैं, ये सपोर्ट वगैरह हैं, और फिर आगे जो है आपको बताते चलो, ये फिर पैम्पर वगैरह रखे गए हैं यहाँ पे, ये फिर पैम्पर हैं। तो एक साइड मुकम्मल हो गई, तो चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शावर जेल वगैरह पड़ी है नहाने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, शायद आप लोग इन चीज़ों से ना वाकिफ हों। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं काटन बार्ड्स वगैरह हैं, और नीचे जो है लोरियल कंपनी के शैम्पू और कंडीशनर हैं। तो ये मच्छर के लिए जो होते हैं लिक्विड टाइप, ये वो हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कुछ क्रीमें वगैरह पड़ी हैं, ग्लेसोलीड की, नीफिया की, देख सकते हैं आप। तो काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीट की जो स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं ये वो हैं, और साथ में वीट की क्रीमें वगैरह भी पड़ी हैं। ये हेयर रिमूवर होती हैं, मतलब बाल सफ़ा करने वाली क्रीमें हैं सारी, और नीचे कुछ पाउडर रखे गए हैं। यहाँ पर फिर रेंज आ जाती है साबुन वगैरह की, तो ये दोस्तों साबुन वगैरह पड़े हैं, और नीचे वैसलीन पड़ी है, देख सकते हैं आप, साथ में पॉन्ड्स के पाउडर वगैरह पड़े हैं। तो ये रेंज टोटल साबुन की है, ये आप देख सकते हैं ये टोटल साबुन पड़े हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये माउथ वाश है, मतलब आप इसको आम जबान में कह सकते हैं कि
गरारे करने वाले जो होते हैं, जिनके दांत वगैरह ख़राब होते हैं, ये वो चीज़ है, माउथ वाश इसको बोलते हैं आम दौर में। ये कुछ अतर वगैरह हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूथपेस्ट वगैरह रखी हुई है, बहुत सी कंपनियों की टूथपेस्ट है। ये टोटल टूथपेस्ट है। ये सेंसोडाइन, क्लोजअप वगैरह, कोलगेट वगैरह, ये चीज़ें सब पड़ी हैं। ये टूथपेस्ट हैं टोटल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह रखे हुए हैं। ये सैनिटाइज़र वगैरह हैं। कोरोना की वजह से जो है सैनिटाइज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये सैनिटाइज़र वगैरह हैं। और नीचे स्विस के शैम्पू हैं, स्विस कंपनी के शैम्पू हैं ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोशन वगैरह रखे गए हैं जिस्म के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। लोशन निफिया कंपनी के हैं, बलमर्स के हैं, वेजलिन के हैं, इनशांतर के भी हैं और ग्लेसोलिड कंपनी के भी हैं। बहुत से कंपनियों के ये लोशन रखे गए हैं। ऊपर ये क्यूफी के हैं, सीटाफिल के हैं। ये फेड आउट क्रीमें पड़ी हैं, वाइटनिंग क्रीमें हैं फेड आउट की। और यहाँ पे वाटिका कंपनी के जो हैं ये शैम्पू वगैरह हैं और कंडीशनर वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं। नीचे भी टोटल ये शैम्पू वगैरह पड़े हुए हैं। तो दूसरी साइड में आप दिखा कर चलो कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेंटीन शैम्पू वगैरह रखे गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्डर शोल्डर शैम्पू हैं। और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं वो डव शैम्पू हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये बच्चों के लिए शैम्पू वगैरह हैं और नीचे तेल वगैरह हैं बच्चों के लिए। ये सब चीज़ें बच्चों की हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये फेस वाश रखे गए हैं। ऊपर से कुछ स्क्रब हैं और नीचे फेस वाश हैं। ये ऊपर फेस स्क्रब हैं और नीचे जो हैं टोटल फेस वाश रखे गए हैं। हिमालय कंपनी के हैं, निफिया के हैं, क्लेयर के हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये टोटल फेस स्क्रब हैं और फेस वाश हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ ये टूथ ब्रश वगैरह हैं। ये टोटल टूथ ब्रश की वैरायटी पड़ी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तेल वगैरह हैं सर पे लगाने के लिए, जो ऑयल है, ये टोटल तेल वगैरह पड़े हैं। ये वाटिका कंपनी के हैं, पैराशूट कंपनी के हैं, तरशूब कंपनी के हैं, नीचे आमला के हैं। ये टोटल जो है ये ऊपर करीमें पड़ी हैं सर पे लगाने के लिए, बालों के लिए। और ये दिखाते चलो आपको, ये लिपस्टिक वगैरह है। ये लिपस्टिक है होंठों को नरम रखने के लिए, ये पड़ी हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही दूसरी तरफ चलते हैं। ये सनस्लिक शैम्पू वगैरह भी पड़े हैं हमारे पास। ये सनस्लिक के शैम्पू हैं, ये सनस्लिक कंपनी के शैम्पू हैं। और साथ में आप देखते चलें कि ये जो है क्लेयर शैम्पू वगैरह पड़े हैं, क्लेयर कंपनी के, क्लेयर के टोटल शैम्पू पड़े हैं ये। तो जी हाँ दोस्तों, सॉरी एक कस्टमर दरमियान में आ गया तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। तो देख सकते हैं आप कि ये क्लेयर के शैम्पू हैं। और यहाँ पे ये गार्नियर कंपनी के शैम्पू वगैरह हैं। और नीचे ट्रेस्मी के पड़े हैं शैम्पू वगैरह कुछ, ये आप देख सकते हैं। ऊपर तरशूब कंपनी के हैं ये शैम्पू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी मेरी वीडियो। ये देखते हैं आप, ये बच्चों के फीडर वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ जो है ये रेज़र वगैरह खड़े हैं, बॉडी रेज़र भी हैं। और कुछ जो हैं ये वैसे शेविंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बच्चों के फीडर वगैरह हैं यहाँ पे। ये मुकम्मल सीरीज़ है बच्चों के फीडर वगैरह की, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ शेविंग का सामान खड़ा है। ये जिलेट के रेज़र वगैरह खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ फीमेल्स के भी हैं इसमें। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये फीमेल्स के रेज़र वगैरह हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ये सारा सामान इधर पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये फीडर वगैरह रखे हुए हैं। और ये कुछ पैम्पर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे भी। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ करीमें हैं, ये फेयर लवली की करीमें वगैरह हैं। ये फेयर लवली की करीमें हैं दोस्तों। ये कैंट की ब्लीच क्रीम वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। ये फेयर लवली मर्दों के लिए है।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रीमें वगैरह पड़ी हैं, ये फीडर साफ़ करने के लिए बुरशेज़ वगैरह हैं, बच्चों के जो फीडर होते हैं वो साफ़ करने के लिए बुरश वगैरह हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्रीमें हैं बालों के लिए, ये सब क्रीम्स वगैरह पड़ी हैं बालों के लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको लेके आता हूँ दोस्तों, ये जो है कुछ बॉडी स्प्रे वगैरह हैं, ये कुछ बॉडी स्प्रे वगैरह हैं और बॉडी रोल है, आप देख सकते हैं। ये एक्स कंपनी का है और ऊपर ये निफिया का है, देख सकते हैं ये सब, ये बॉडी स्प्रे वगैरह है, ये रिक्सोना कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शेविंग के लिए फॉर्म वगैरह पड़े हुए हैं, और ये बच्चों के वाइप्स वगैरह हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये बच्चों के वाइप्स वगैरह हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने ये देखा कि ये कुछ बच्चों के वाइप्स वगैरह थे। तो अभी तकरीबन मैंने आपको हर चीज़ दिखा ली है। तो ये कुछ चीज़ें वगैरह इधर यहाँ पर खड़ी हैं, ये कॉल वगैरह हैं और आई लैशेज वगैरह है यहाँ पे। तो बाकी बस ये तलाजा रहता है, फ्रिज, ये हमारी फार्मेसी का फ्रिज है। तो इसके अंदर आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये फ्रिज के अंदर मेडिसन है, ये फ्रिज रखा हुआ है। और ये हमारी फार्मेसी का कंप्यूटर है, और ये आपको पूरा रिव्यू दिखाता हूँ, ये फार्मेसी को आप मुकम्मल देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये वो जगह है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम। तो मैंने आप सबको ये जगह दिखा ली, बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि भाई आप वो जगह दिखाएं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों वो जगह है, तो मैंने आपको मुकम्मल रिव्यू करा दिया। आपको बैक साइड में लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा हमाम वगैरह है, ये कुछ हमारा स्टोर है, ये सदलिया की बैक साइड में ही है, वो वहाँ पे चाय वगैरह हम बनाते हैं, केतली रखी हुई है, और कुछ सामान ओवर आ जाता है तो उसको वहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फार्मेसी को दोस्तों, माशाल्लाह बहुत बड़ी फार्मेसी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों, ये हमाम वगैरह है यहाँ पर। तो उम्मीद रखता हूं दोस्तों कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और हर मुसलमान को अल्लाह पाक रिज़्क के हलाल अता करे। जो बेरोज़गार है उनके लिए भी दुआ करें, जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक हर मुसलमान की हाजत पूरी करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इस दुआ के साथ याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।